नंबर 130 से, सॉरी 230 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर जो है नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 7, फोर्स एंड एनर्जी। तो यह हम अब देख रहे हैं साउंड एनर्जी, यानी जो ध्वनि ऊर्जा होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्वनि ऊर्जा। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ध्वनि जो है, आवाज़, साउंड, वह भी एक एनर्जी का एक प्रकार है। दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स में वाइब्रेशन होता है, उसके कारण ही उत्पन्न होती है। सम सोर्सेस ऑफ साउंड एनर्जी, जैसे साउंड एनर्जी की कुछ सोर्सेस हैं, जैसे रेडियो, लाउड स्पीकर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा। द एनर्जी ऑब्टेंड फ्रॉम द मूविंग एवेंट इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जो कि पवन से, हवा से जो प्राप्त की जाती है, उसको पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी कहते हैं। विंड मिल्स हेल्प इन कन्वर्टिंग विंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी। तो विंड मिल्स जो होती हैं, उनसे विंड मिल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी विंड द्वारा उत्पन्न की जाती है। स्पीकर, विंड मिल। सिंपल मशीन। सिंपल मशीन क्या होती है? मशीन आर टूल्स दैट मेक आवर वर्क इजियर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू डू वर्क। तो मशीन जो होती है, वह कोई भी टूल हो सकता है जिससे कि हमारा काम इजी हो, हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े, है ना। मशीन्स कैन भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। मशीन सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकती है। टूल सच ए सीजर, जैसे कुछ औजार जैसे कि सीजर, स्क्रू, टोंग, चिमटा, नाइफ, चाकू, दैट हेल्प्स इन डूइंग वर्क एफिशेंटली एंड इजीली आर कॉल्ड सिंपल मशीन। तो ये हमारे काम आसानी से कर सकते हैं, आसान कर देते हैं इनसे, तो इसीलिए इनको सिंपल मशीन कहते हैं। देर आर सिक्स बेसिक टाइप्स ऑफ मशीन। तो सिंपल मशीन तीन छः तरह की हैं, लीवर, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, वेज एंड व्हील एंड एक्सल। ओके, तो कॉम्प्लेक्स मशीन आर मेड अप ऑफ टू आर मोर सिंपल मशीन। तो कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होती है? दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन से मिलके बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ बाइसिकल इज़ ए कॉम्प्लेक्स मशीन। तो बाइसिकल जो है कॉम्प्लेक्स मशीन है, क्योंकि इसमें लीवर है, स्क्रू है, व्हील, एक्सल, तीन से चार मतलब सिंपल मशीन इसमें डली हुई है। लेट अस लर्न मोर अबाउट सिंपल मशीन। यहाँ पे कुछ सिंपल मशीन के बारे में और हैं। ए लीवर। तो लीवर इज अ ग्रिड रॉड मैट टू रेस्ट ऑन एंड मूव अराउंड अ फिक्स्ड सपोर्ट। तो लीवर क्या होता है? जिससे कि उसमें कोई भी सपोर्ट इससे लगता है ना, सपोर्ट दिया जाता है लीवर के द्वारा। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। इसमें थ्री पार्ट्स होते हैं। फुलक्रम, इट इज द फिक्स्ड पॉइंट और सपोर्ट ऑन विच द लोड रोड मूव फ्रीली। फुलक्रम होता है यहाँ बीच में, जैसे कैची में होता है ना, जॉइंट होता है यहाँ पे कुछ भी, ठीक। इफर्ट, इट इज द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द फ्री एंड ऑफ द रोड टू अनेबल द अदर एंड टू परफॉर्म वर्क। एफर्ट यानी जो भी जिसके द्वारा काम होगा, लोड जिसके ऊपर काम होगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लीवर के एग्जांपल है, जैसे डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ दिस पार्ट। तो यह पार्ट अलग अलग जगह भी हो सकते हैं। लीवर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। तो यहाँ पे तीन भागों में बांटा गया है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में तो फुलक्रम बीच में ही, एफर्ट इधर लास्ट में है और लोड इधर है, ठीक। एक साइड पे लोड, एक साइड पे एफर्ट। इन दिस टाइप ऑफ लीवर द फुलक्रम इन बिटवीन, बिटवीन बीच में रहता है, लोड एंड द एफर्ट अलग अलग पॉइंट पे होते हैं। जैसे कि सीजर में, ठीक है, सीजर में आप देखो, ये फुलक्रम हो गया, ये एफर्ट यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लोड, यहाँ पे काम हुआ है ना। और क्रोबॉट्स में, सीसा में, क्ला हैमर्स, हैमर्स हथौड़े में, ठीक है। जैसे सीसा में है फुलक्रम, इधर एफर्ट, इधर लोड, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्लास में देखो, इन दिस टाइप ऑफ लीवर द लोड इज बिटवीन द एफर्ट एंड द फुलक्रम। तो यहाँ पे लोड बीच में आ जाता है, इधर एफर्ट है, इधर फुलक्रम है ना। सम एग्जांपल आर व्हील बैरो। व्हील बैरो ये दिया है ना, यहाँ पे लोड डालते हैं, यहाँ पे एफर्ट करते हैं, ये फुलक्रम है। सम एग्जांपल आर व्हील बैरो, बॉटल ओपनर यहाँ पे दिया है, लेमन स्क्वीजर, मालूम है ना, जिससे नींबू का रस निकाला जाता है। एंड थर्ड में है थर्ड क्लास लीवर। इन दिस टाइप ऑफ लीवर द एफर्ट इज बिटवीन, ये एफर्ट बिटवीन में आ गया, द फुलक्रम एंड लोड के बीच में आ गया ये। सम एग्जांपल ऑफ ए पेयर, जैसे टोंग, चिमटा, है
है ना, इसमें ये एफर्ट यहाँ पे है, फुलक्रम इधर है, जो जोड़ होता है वो फुलक्रम है, और ये लोड जहाँ पे काम हुआ है, वैसे स्टेपलर में है ना। ठीक, साइंस, व्हेन अटेम्प्टिंग अ लिफ्ट अ लोड द ह्यूमन हैंड एक्ट्स एज ए थर्ड क्लास लीवर। तो जब भी भजन उठाने में काम करते हैं तो ये ह्यूमन हैंड यानी हमारा हाथ थर्ड क्लास लीवर की तरह काम करता है। ओके, हो चुका। नेक्स्ट पेज देखते हैं, व्हील एंड एक्सल क्या। तो व्हील एंड एक्सल जो पहिया और एक्सल यानी जो धुरी होती है धुरा। व्हील एंड एक्सल इज अ सिंपल मशीन इन विच अ व्हील इज अटैच टू अ रॉड कॉल्ड द एक्सल। तो व्हील और एक्सल सिंपल मशीन है और इसे रॉड से जुड़ा होता है व्हील, जिनको कि एक्सल कहते हैं। द व्हील एंड द एक्सल वर्क टूगेदर। तो व्हील और एक्सल एक साथ काम करते हैं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू द व्हील द एक्सल टर्न्स। जब व्हील पे फोर्स लगाया जाता है तो एक्सल काम करता है, घूमता है। ऑन द अदर हैंड इफ ई अप्लाइड फोर्स टू द एक्सल द व्हील टर्न। और ऐसे ही अगर हम एक्सल को घुमाएंगे तो क्या होगा, व्हील घूमेगा। सम एग्जाम्पल आर स्टेयरिंग व्हील, डोर नॉब। तो कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे कि स्टेयरिंग व्हील होता है कार का, एंड जॉइंट व्हील जैसे आप झूले देख सकते हैं। एक्टिविटी यहाँ पे टू दी है, टू स्टडी द व्हील एंड एक्सल कॉम्बिनेशन, व्हील और एक्सल का कॉम्बिनेशन देखेंगे। मटेरियल क्या चाहिए, फोर बॉटल केस, टू पीसेस ऑफ थिक ब्रूम स्टिक। तो कुछ झाड़ू की कुछ जो होती है स्टिक्स है ना, जो कि 6 सेंटीमीटर लंबाई की हों। टू स्ट्रॉ, दो स्ट्रॉ चाहिए। मैच स्टिक होल्डर ऑफ ए मैच बॉक्स एंड ग्लू। तो मैच बॉक्स यहाँ पे लगाया, ग्लू लिया। टेक द ब्रूम स्टिक एंड इंसर्ट देम इनटू द स्ट्रॉ में ब्रूम स्टिक यानी जो झाड़ू की जो हमने स्टिक ली है वो उसको स्ट्रॉ में डाल देंगे। फिक्स द बॉटल केप टू द एंड्स ऑफ द ब्रूम स्टिक टू लुक लाइक अ व्हील एंड एक्सल। तो बॉटल केप्स को छेद करके उसके अंदर डाल देंगे जिसके वो व्हील की तरह वर्क करेगा। इंसर्ट द ब्रूम स्टिक इन टू द मैच स्टिक होल्डर एज शोन इन द इमेज गिवन अलोंग साइड। तो ब्रूम स्टिक और मैच स्टिक होल्डर को इसमें लगा दें जैसे कि यहाँ चित्र में दिया है। प्लेस अ वेट ऑन टॉप ऑन द मैच स्टिक होल्डर एंड पुश द सेटअप फ्रॉम बिहाइंड। तो इस तरह से सेटअप करने के लिए आपको थोड़ा पुश करके वहाँ पे मैच स्टिक को चिपका देना है। ऑब्जर्वेशन, सेटअप मूव्स फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हील एंड एक्सल। तो अब आप देखेंगे व्हील और एक्सल कैसे काम करता है। कॉन्क्लूजन है, व्हील एंड एक्सल कॉम्बिनेशन मेक वर्क इजियर एंड रिड्यूसिंग एफर्ट। तो व्हील और एक्सल काम करता है जिसमें एफर्ट कम लगता है ना। पुली, पुली इज ए मशीन चरखी ऑफ स्मॉल व्हील विथ ए ग्रू ऑन इट्स आउटर एज। ग्रू यानी इस तरह की नाली टाइप होती है जिसे इसके आसपास इस तरह से रस्सी जा सके, है ना। द व्हील रोटेट्स अराउंड एन एक्सल, यह एक्सल के आसपास एक्सल से व्हील जो है रोटेट करता है। दे आर यूज टू लिफ्ट वेट, वह वजन उठाने काम करता है। दे आर टू टाइप, फिक्स्ड एंड मूवेबल। फिक्स्ड होते हैं, मूवेबल होते हैं। इन फिक्स्ड पुली द एक्सल इज अटैच्ड टू ए सपोर्ट लाइक अ हुक और वॉल। तो फिक्स में क्या होता है, एक्सल किसी सपोर्ट से जैसे हुक या दीवार से जुड़ा होता है। इट मेक्स वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो इसमें काम आसान होता है। सम एग्जाम्पल आप पुली जैसे कुएं में या फ्लैग पोल्स आप देखिए, झंडे का जो फ्लैग पोल होता है जिसपे झंडा लगाया जाता है। इन ए मूवेबल पुली द एक्सल इज नॉट अटैच टू एनी सपोर्ट, किसी सपोर्ट से वो जुड़ा हुआ नहीं होता है एक्सल, एंड वो फ्रीली मूव करता है। मूवेबल पुली आर यूज्ड अलोंग द फिक्स्ड पुली टू रिड्यूस द एफर्ट। तो यह भी फिक्स्ड पुली के साथ लगाया जाता है जिससे कि एफर्ट कम लगे। एन एग्जाम्पल इस क्रेन, क्रेन में आप देखेंगे लिफ्ट हैवी वेट हम उसमें उठाते हैं। इंक्लाइंड प्लेन, एंड इंक्लाइंड प्लेन इज ए स्लोप, इस तरह की ढलान जो होती है, और रैंप एनी स्लैंडिंग सरफेस, इस तरह की जो स्लैंडिंग होती है ढलान, हेल्प टू कैरी लोड, जिससे कि लोड आसानी से उठाया जा सके। जैसे कभी हम घर के सामने बना देते हैं कि घर में आसानी से गाड़ी आ जाए। इट रिक्वायर लेस एफर्ट्स फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अप एन इंक्लाइंड प्लेन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर चढ़ाने में इससे मदद मिलती है, ठीक है।
सम एग्जाम्पल आर ए स्लाइड इन द पार्क, पार्क में स्लाइड देखोगे आप ये, रैम्प्स इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में रैम्प रहती है, या फिर किसी व्हील चेयर में सॉरी व्हील चेयर को चढ़ाने के लिए हॉस्पिटल में रहती है, एंड रैम्प्स फॉर लोडिंग एंड अपलोडिंग गुड्स ऑन द ट्रक, ट्रक या एरोप्लेन में आप देखेंगे इसे। वेज, तो वेज क्या होता है, वेज इज अ सिंपल मशीन मेड अप बाय प्लेसिंग टू सरफेस एटलीस्ट वन ऑफ व्हील विच इज एन इंक्लाइंड प्लेन, तो जिसमें थोड़ा ढलान पे होता है, वेज मशीन होती है वो। फॉर ए शार्प कटिंग सरफेस, तो उसमें शार्प कटिंग सरफेस होती है जिससे कि हम कुछ भी कट कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल आर कटिंग एज ऑफ नाइफ्स, नीडल्स एंड एक्सेस, तो इसके एग्जाम्पल है नाइफ, नीडल्स एंड एक्सेस। स्क्रू, ए स्क्रू इज ए इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड ए सेंट्रल सिलेंडर, तो यह किसी सिलेंडर टाइप में पूरा ऐसे जो होते राउंड राउंड घुमा हुआ होता है। इट इज़ यूज टू होल्ड थिंग्स टाइटली, तो यह बर्तनों में जैसे आप ढक्कन देखेंगे उसमें भी इस तरह के लगे होते हैं जिससे कि कोई भी ढक्कन उस बर्तन पे ढंग से अच्छे से फिट हो जाए। इट कैन बी टर्न्ड यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इसको फिट किया जाता है। स्क्रूज आर यूजफुल इन फिक्सिंग डोर्स, हिंग्स एंड हैंडल, तो स्क्रू कहाँ लगाया जाता है, डोर्स में, हिंग्स में, डोर हिंग्स यानी जो डोर में आप देखोगे जो घुमाने वाला पार्ट होता है वहाँ पे, एंड हैंडल्स में, नट्स एंड बोल्ट्स, ए डेंटिस्ट चेयर, डेंटिस्ट की चेयर में, ए बोतल और टूथपेस्ट में आप देखोगे स्क्रू जैक, एंड स्क्रू जैक बिग स्क्रू यूज टू लिफ्ट कार्स, बड़े स्क्रू भी होते हैं कार्स में, अदर हैवी ऑब्जेक्ट में एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू है जैसे बोतल के नट एंड बोल्ट। टू मेक ए स्क्रू फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन, इससे आप यहाँ पे एक्टिविटी 3 में बना सकते हैं। मटेरियल चाहिए पेंसिल, स्केच पेन, ट्राइंगुलर सीट ऑफ पेपर, तो कलर द इंक्लाइंड सरफेस यानी जो उसका एक तरफ का पार्ट है उसको कलर कर दें और उसको पेंसिल के आसपास आप पूरा फोल्ड कर दें, है ना, इस तरह से करें कि वो जो हमने कलर किया है वो पार्ट दिखाई दे। द कलर सरफेस रिसेंबल वाइंडिंग रोड्स ऑफ और स्टेयरकेस, तो स्टेयरकेस की तरह वो दिख रहा है। इफ़ वी हैव दस मेड स्क्रू आउट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, इस तरह से हम स्क्रू बना सकते हैं। लेट्स से टुगेदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स वो होती है जो कि मैग्नेट जो है कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे कि लोहे को अट्रैक्ट करती है मैग्नेट। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, टू ऑब्जेक्ट दैट आर इन कॉन्टेक्ट एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इन मोशन, तो फ्रिक्शन यानी जिसमें कि एक मूवेबल ऑब्जेक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट के होने से ये होता है, जैसे रोड और एक मूवेबल, उस पर कोई भी गाड़ी चल रही है। हीट एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेंड बाय बर्निंग फ्यूल्स जो कि ईंधन जलाने से होती है, ऑयल, गैस। मैकेनिकल एनर्जी, एंड दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यू टू इट्स पोजिशन और मोशन के द्वारा होता है। साउंड एनर्जी, ध्वनि जो है उत्पन्न होती वाइब्रेशन के द्वारा। सिंपल मशीन क्या होती है, टूल डिवाइडेड मेक अवर वर्क इजी, जिससे हमारा वर्क इजी हो। फोर्स इज ए पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो फोर्स क्या है, बल जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं धक्का देके, खींच कर। फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द स्पीड, ठीक है, फोर्स के द्वारा स्टार्ट या स्टॉप किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। फोर्स कैन चेंज द शेप, शेप भी चेंज कर सकते हैं फोर्स से। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वाइंड एंड साउंड आर, साउंड आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये अलग अलग फॉर्म्स हैं एनर्जी के, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, विंड, साउंड। मैकेनिक्स मेक आवर वर्क इजी, मशीन से हमारा वर्क इजी हो जाता है। सिक्स टाइप्स ऑफ मशीन होती है, लीवर, व्हील, एक्सेल, इंक्लाइंड प्लेन, पुली, वेज एंड स्क्रू। नेक्स्ट देख लेते हैं।
फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो फोर्स के द्वारा डायरेक्शन एंड मोशन चेंज हो सकता है ऑब्जेक्ट का. यस ट्रू है. एनर्जी एंड फोर्स आर वन ऑन द सेम. एनर्जी और फोर्स सेम है. एनर्जी और फोर्स सेम है, एक है. तो फॉल्स है ये. सन इज़ ए सोर्स ऑफ ओनली हीट एनर्जी. फॉल्स. एंड सिंपल मशीन रिड्यूस द एफर्ट रिक्वायर टू डू वर्क. ट्रू. पुली डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. फॉल्स. चूज द ऑड वन आउट. तो यहाँ पे कुछ लिखना है. यहाँ पे सीजर्स, क्रोबार, सीसा. तो यहाँ पे बॉटल ओपनर को करना है आपको. क्रॉस कर सकते हैं या फिर सर्कल कर सकते हो आप. व्हील बेरो को यहाँ पे आप करोगे. स्टेपलर, ट्विजर, टोंग में से. एंड रैंप, फ्लाई ओवर, स्लाइड. सीसा में से आप करोगे रैंप, सॉरी सीसा को. स्क्रू, बॉटल, केप, रैंप. नट एंड बोल्ट में रैंप को करेंगे. नाइफ, निडल, फ्लैग और स्टेक्सल. तो यहाँ पे फ्लैग पोल को. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे आपको बताना है. फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट टू अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है. अपोजिट में काम करता है. ए फैन यूजेस. कौन सी फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है. ठीक है. एनर्जी टू डू वर्क. लाइट बल्ब गिव्स. कौन सी एनर्जी देता है. लाइट एनर्जी. ठीक है. ए व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल. व्हील बैरो किसका एग्जाम्पल है. सेकंड क्लास मशीन लीवर. ए सिंपल मशीन यूज टू ड्रा वाटर फ्रॉम ए वेल. तो ये पुले है सिंपल मशीन जिसके द्वारा वाटर हम ऊपर खींचते हैं. क्वेश्चन आंसर देखते हैं. हॉट्स में देखो. व्हेन यू स्टैंड आउट इन द सन विच एनर्जीज वुड यू बी अफेक्टेड बाय. अगर आप बाहर सन में खड़े हो तो आपको कौन सी एनर्जी मिलेगी. लाइट एंड हीट एनर्जी हमें मिलेगी. टू नंबर क्वेश्चन है. हाउ आर नेल्स डिफरेंट फ्रॉम स्क्रू. तो कीले स्क्रू से अलग कैसे है. नेल्स यानी कील जो होती है. विच वन विल यूज टू होल्ड थिंग्स टाइटली. तो टाइटली अगर हमको थिंग्स रखना है तो क्या आप यूज़ करोगे. तो स्क्रू हैज द रिवेट अराउंड द पॉइंट एंड नेल हैज अ स्मूदर सरफेस. तो स्क्रू के आसपास आप देखोगे रिवेट्स होते हैं, है ना, लाइनिंग्स टाइप होते हैं. और नेल्स जो होती है स्मूथ सरफेस की होती है. तो आपको कोई भी चीज़ को टाइट रखने के लिए आप क्या यूज़ करोगे. स्क्रू. हाउ आर ए स्क्रू ए वेज एंड एन इंक्लाइन प्लेन इंटर रिलेटेड. तो वो आपस में कैसे उनका संबंध है. मेड बाय बेसिंग टू इंक्लाइन प्लेन. ए वेज क्या है. एक मशीन है जो कि दो इंक्लाइन प्लेन से बनी है. वेज इंक्लाइन प्लेन एंड स्क्रू रिड्यूस द फोर्स एनर्जी ऑब्जेक्ट बाय इंक्रीज द डिस्टेंस. तो वेज इंक्लाइन प्लेन एंड स्क्रू. तो यह फोर्स नेसेसरी जो है वो उसके द्वारा जो है. ओके. वेज इंक्लाइन प्लेन एंड स्क्रू. तो इससे जो है बल जो है वह कम लगता है. ठीक है. प्रोजेक्ट नेम ऑफ द साइकिल पार्ट आपको बताना है. और सिंपल मशीन जो कि इसमें लगी हुई है. ठीक है. आइडेंटिफाई द सिंपल मशीन यूज्ड इन योर हाउस एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देम.